डेप्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है, डेप्यूटेशन के थ्रू आप बहुत सी जगह अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे CBI, IB, NIA, RAW, SPG, NSG, NDRF और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो विलिंग हैं, जो सर्विंग पर्सनल्स हैं उनको डेप्यूटेशन पे बुलाने के लिए। आज ही CAPF AC Mentors को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल, वेलकम टू CAPF AC Mentors। और एक आज हम बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। जैसे कि हमें बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि डेप्यूटेशन के बारे में थोड़ी क्लैरिटी लाई जाए, बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है डेप्यूटेशन के बारे में। तो आज हम वही निकाल के बाहर लाने वाले हैं कि डेप्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है और आपको क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा या आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए। बीइंग एन असिस्टेंट कमांडेंट आप कैसे डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। गाइस, डेप्यूटेशन होता क्या है? डेप्यूटेशन एक्चुअल में एक पीरियड होता है जिसमें आप अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक लेमेंस टर्म में एक डेफिनेशन होगी डेप्यूटेशन की। बट आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, बिकॉज वहां पे हम बहुत सारी अमेजिंग चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। और दैट ग्रुप इज बीइंग लाइक मैनेज्ड बाय द सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट्स एंड सिलेक्टेड पीपल। सो आप हमें वहां ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए CAPF AC Mentors और जो पहला रिजल्ट आए उस पर क्लिक करके ज्वाइन करें। एंड साथ में अगर उतनी मेहनत नहीं करनी है तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, फ्री टेलीग्राम ग्रुप का, तो डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करें, डायरेक्टली आप लैंड करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो फ्री है, जहां पे बहुत सारी अमेजिंग चीजें हम प्रोवाइड करते हैं CAPF एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। अभी मैंने आपको डेप्यूटेशन की एक आसान भाषा में एक डेफिनेशन दी कि अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आप किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी सर्विस देते हैं फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आप मान लीजिए असिस्टेंट कमांडेंट है CRPF में या CISF में, आपका मन है कि आप CBI में जाएं, तो CBI ने कुछ वैकेंसीज निकाली डेप्यूटेशन बेसिस पे कि जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं CAPF के या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के, वो अप्लाई करें और आप यहां हमारे पास डेप्यूटेशन पे आ जाएं। तो आपने अप्लाई किया और आप CBI में हैं डेप्यूटेशन पे 5-7 सालों के लिए, जो भी लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम होता है, तो इसे हम कहते हैं डेप्यूटेशन, ठीक है। तो गाइस, डेप्यूटेशन के थ्रू आप बहुत सी जगह अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे CBI, IB, NIA, RAW, SPG, NSG, NDRF और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो विलिंग हैं, जो सर्विंग पर्सनल्स हैं उनको डेप्यूटेशन पे बुलाने के लिए। तो आप अपनी सर्विस कहीं पे भी दे सकते हैं, बट उसके कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और जो मैं आज क्राइटेरिया बताने वाला हूं वो कहां कहां अप्लाई नहीं होते हैं। वो अप्लाई नहीं होते हैं SPG में डेप्यूटेशन पे, NDRF में डेप्यूटेशन पे और NSG में डेप्यूटेशन पे, बिकॉज ये तीनों जो फोर्सेज हैं ये प्योरली डेप्यूटेशनल फोर्स है, तो इनके लिए अलग क्राइटेरिया। एंड यस, इन तीनों फोर्सेज में क्राइटेरिया थोड़ा सा आसान है बिकॉज ये डेप्यूटेशनल फोर्स है एज आई हैव टोल्ड यू। तो आज इनके बारे में बात नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा जो भी है IB, CBI, NIA, NCRB, जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके डेप्यूटेशन पे आप कैसे जा सकते हैं मैं आपको ये आज बताने वाला हूं। तो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी सर्विस मिनिमम 10 साल की होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड। तो जैसे आपके 10 साल पूरे होते हैं आप डेप्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहला क्राइटेरिया। जो दूसरा क्राइटेरिया है कि आपकी 3 साल की सर्विस एटलीस्ट बटालियन में होनी चाहिए, किसी भी बटालियन में आपकी ड्यूटी होनी चाहिए 3 साल की। अब कई लोगों को डायरेक्टली हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल जाती है या फ्रंटियर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल जाती है, दैट इज नॉट बटालियन। आपको बटालियन में 3 साल की आपकी नौकरी होनी चाहिए तभी आप कंसिडर किए जाएंगे अप्लाई करने के लिए डेप्यूटेशन की, ठीक है, तभी आप क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। उसके बाद आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं होने चाहिए, साथ ही कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। दैट मींस यू शुड हैव अ क्लियर सर्विस रिकॉर्ड ऑन द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर डेप्यूटेशन, ठीक है। तो कोई शैतानी नहीं होनी चाहिए आपको, 10 साल बहुत अच्छे से काम करना अगर यू आर विलिंग टू सर्व इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो आपकी मेडिकल जो फिटनेस होनी चाहिए वो बिल्कुल लो कैटेगरी होनी चाहिए। लो कैटेगरी फोर्सेस में मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट मेडिकल है आपका, मेडिकली बिल्कुल फिट हो। लो मतलब बेकार नहीं होता, अगर आपकी कैटेगरी हाई है दैट मींस आप मेडिकली उतने साउंड नहीं हो, ठीक है। तो लो मेडिकल कैटेगरी होनी चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया है डेप्यूटेशन के लिए। अब मैं बताऊंगा कि
क्या किस किस को प्रेफरेंस मिलती है डेप्यूटेशन में, अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो आपको प्रेफर किया जाएगा डेप्यूटेशन पे भेजने के लिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है, आपको प्रेफर किया जाएगा अगर आपकी सर्विस इन 10 सालों में 3 साल हार्ड एरियाज में अगर आपने सर्व किया हो, जो नोटिफाइड हार्ड एरियाज है, अगर आपने वहां सर्व किया है 3 साल तो आपको प्रेफर किया जाएगा। वो एरियाज कौन कौन से हैं, J&K नक्सल अफेक्टेड एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगर आप यहाँ पे आपने काम किया है, सर्विस दी है, ड्यूटी की है 3 साल के लिए, तो आपको प्रेफर किया जाएगा डेप्यूटेशन के लिए, ठीक है। ये पहला प्रेफरेंस है। दूसरा, अगर आप अपनी जो 10 साल की सर्विस आपकी फर्स्ट टाइम डेप्यूटेशन अगर आप जाना चाह रहे हो, ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम डेप्यूटेशन की, अगर आप फर्स्ट टाइम डेप्यूटेशन जाना चाह रहे हो और आपकी जो पोस्टिंग है वो कभी भी 5 साल दिल्ली में नहीं रही है 10 सालों में, या फिर जहां आप डेप्यूटेशन पे जाना चाहते हो, मान लो आप जाना चाहते हो SPG में, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली, तो दिल्ली से ऑपरेट करता है, तो अगर आप जो आपकी इंटेंडेड प्लेस ऑफ डेप्यूटेशन है वहां पे भी आपकी पोस्टिंग ना रही हो 5 साल पिछले 10 सालों में, तो भी आपको प्रेफर किया जाएगा डेप्यूटेशन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद और एक और चीज है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मेडिकली आपको फिट होना पड़ेगा, वो इसमें भी आता है। अगर आप मेडिकली शेप में अच्छे हो, आप लो मेडिकली आपकी कैटेगरी है, तो आपको इसमें कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया हुए जिसमें प्रेफरेंस की क्राइटेरिया अगर आपको डेप्यूटेशन जाना है। तो अब बात करते हैं कि पीरियड क्या होगा डेप्यूटेशन का। गाइस, मिनिमम पीरियड या जो एक अलाउड पीरियड है वो है 5 साल, ठीक है। आपको 5 साल के लिए डेप्यूटेशन पे भेजा जा सकता है, जो कि एक्सटेंडेबल है 7 साल तक, मतलब 5+2, तो आप 7 साल तक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड डेप्यूटेशन। अगर आपका आपने अपना फर्स्ट डेप्यूटेशन पूरा कर लिया है और आपको वापस आपको वहां पे ज्यादा मजा आ रहा है एंड यू आर विलिंग टू सर्व मोर, तो आपको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वापस आना पड़ेगा। वापस आके आप वापस अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। यस, आपको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आके 3 साल वापस से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा, जिसमें से 1 साल आपको नोटिफाइड हार्ड एरियाज में काम करना पड़ेगा, जैसे J&K, नक्सल बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो 1 साल होगा नोटिफाइड हार्ड एरियाज में आपको सर्विस करनी पड़ेगी 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड में। इस पीरियड के बाद आप वापस डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट है 2 बार डेप्यूटेशन पे जाने की, और अगर आपको फर्दर जाना है तो उसके लिए बहुत अलग प्रोसीजर है, बट लिमिटेड है 2 तक, ये 2 बार आप डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आप डेप्यूटेशन पे जा चुके हैं और कई बार आपने देखा होगा कि डेप्यूटेशन के एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है एब्जॉर्बेशन बेसिस, आपको एब्जॉर्ब भी कर लेती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपकी मिनिमम ईयर सर्विस होनी चाहिए 18 साल, अगर आप मेडिकली बिल्कुल फिट है, अगर मेडिकल में थोड़ा बहुत 19-20 है तो 15 साल भी चल जाएगी। आपको 18 साल अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, तभी आप को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एब्जॉर्ब कर सकती है, वरना आपको एब्जॉर्ब नहीं होने दिया जाएगा। एब्जॉर्बेशन का मतलब होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अब परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं जिसमें आप डेप्यूटेशन पे गए थे, ठीक है। तो ये बात की नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ये क्राइटेरिया सब में फॉलो होगा, बट ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा NSG में, SPG में और NDRF में। इन तीनों का क्राइटेरिया अलग है और बहुत सी रिलैक्सेशन दी गई है इनके क्राइटेरिया में, वो हम बताएंगे एक एक इंडिविजुअल वीडियो बना के। आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ NSG पे, कि NSG में डेप्यूटेशन पे कैसे जाया जाए, ब्लैक कैट्स उन्हें कहा जाता है, तो NSG पे वीडियो आएगा, SPG पे वीडियो आएगा और NDRF पे। तो इनको क्या रिलैक्सेशन मिली है डेप्यूटेशन के लिए, बिकॉज दे आर प्योरली डेप्यूटेशन फोर्स, तो रिलैक्सेशन देनी बनती है। उनकी एज लिमिट्स और भी 10 चीजें आपको मैं इस बारे में बताऊंगा, ठीक है। तब तक डू सब्सक्राइब CAPF Easy Mentors और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किन बातों पे, किन टॉपिक्स पे आपको डाउट है, किन और टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। जय हिंद।